Everyone, a very warm welcome to BYJUS Exam Prep and a very, very warm welcome to our session. तो तीन बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी हिस्ट्री के सेशन का. सो वी आर टारगेटिंग यूजीसी नेट जीआरएफ फॉर द ईयर 2023 और इस जीआरएफ की प्रिपरेशन में हम लग चुके हैं और आज हम करने वाले एक छोटी सी थ्योरी क्लास ऑन पॉटरीज. सो वी ऑल नो दैट पॉटरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड काफी बार यहाँ से मैच द फॉलोइंग या थ्योरी क्वेश्चन आते हैं. सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि दो ऐसी पॉटरी को फुल फ्लेज्ड कवर करेंगे. वन वी आर गोइंग टू डू पीजीडब्ल्यू एंड वन वी आर गोइंग टू डू एनवीपीडब्ल्यू. तो फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लीजिए एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट. सो वी हैव अब्दुल. अब्दुल गुड आफ्टरनून. मोनिका येस थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. अमीन गुड आफ्टरनून. मिथुन गुड आफ्टरनून. हेलो आकाश. इसरत गुड आफ्टरनून. सोनाली गुड आफ्टरनून. मोनिका गुड आफ्टरनून. रुकेश स्नेहा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड 2023 की जो प्रेपरेशन है वो शुरू हो चुकी होगी एंड सिंस द ईयर इज गोइंग टू एंड तो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जो नेक्स्ट ईयर है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड कुछ भी हो जाए नेक्स्ट ईयर हमें जीआरएफ लेके ही रहना है. तो ऐसी जोश ऐसी जुनून के साथ ये साल खत्म करना है और ऐसी जोश के साथ नए साल की शुरुआत करनी है एंड दिस टाइम क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है हमने एडवांस लीप ले रखा है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल थ्योरी एंड ऑल क्वेश्चन सेशंस. तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कर लीजिए और आज थोड़ा सा जोश बिल्डअप करते हैं बाई सिंपल थ्योरी सेशन ऑन पॉटरी. आई एम एब्सोल्युटली गुड सोनाली. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. वंदना गुड आफ्टरनून. पद्मिनी गुड आफ्टरनून. मनोज हेलो एंड वेलकम. तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सेशन. तो जो हमसे पहली बार मिले हैं आपके लिए कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं. तो सबसे पहली बार प्लीज डू नॉट फॉरगेट ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी एंड अश्विनी. सो वो लोग जो अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने हैं प्लीज मेक श्योर फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. जितने भी हमारे पेपर वन प्लस पेपर टू के जो भी अपडेट्स है जो भी क्लासेस है वी ऑल कम्युनिकेट थ्रू दिस ग्रुप. तो इसको प्लीज जोर शोर से ज्वाइन कर लीजिएगा. उसके बाद जिन्होंने भी हमारा यूजीसी नेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारे क्लासेस मिस हो जाएंगे. एंड देन वी have classes for all aspirants. हमारे app sessions होते हैं 11 बजे. I take on Mondays and sir के साथ आपकी class होती है Thursday को. और हमारे YouTube sessions होते हैं Tuesdays to Fridays at 3 PM. तो जो नए हैं फटाफट से ये timing note कर लीजिए क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं मेजर काउंटडाउन फॉर 2023. तो इससे पहले कि आपके कोई भी सेशंस मिस ना हो प्लीज मेक श्योर कि 11 बजे और 3 बजे की क्लासेस यू डू नॉट मिस. उसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. We have mega workshops जो हम specifically आपके लिए conduct करते हैं so that छोटी छोटी चीजें जो usually miss हो जाती हैं preparation के time period में या maybe you know जो काफी ज्यादा confusing होते हैं we bring you these workshops for extra information. तो 30th December को 8 बजे निशान कपूर सर का workshop है and निशान कपूर सर is going to give you some tricks, some tips कि कैसे 50 on 50 paper 1 में score कर सकते हैं. As you all are aware कि जो paper 1 है हमारा ये technically make and break है. Make and break हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जितना भी अच्छा कर लो paper 2 में you have to do well in paper 1. तो paper कई बार क्या होता है paper 2 पे concentrate करते हैं and paper 1 को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं which is the biggest error. अगर आपने paper 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ. तो यही पे निशान कपूर सर आपको हेल्प करने वाले हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ ट्रेंड्स पेपर के सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एवरीथिंग ही इज गोइंग टू टेल यू. तो प्लीज मेक श्योर कि इसके लिए फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए जिन्होंने अभी भी नहीं किया है. अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्कशॉप. पता ही आप लोगों को आपने काफी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं तो इसे करना ना भूले. चलिए तो जल्दी जल्दी ज्वाइन इन हो जाइए. जोश इज हाई. यस जोश हाई है एंड बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन आर राउंड द कॉर्नर तो वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट. तो बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन की शुरुआत होने वाली है. वेस्ट बंगाल सेट से शुरुआत होने वाली है जनवरी में. सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग ग्रेट. तो आगे के काफी सेशंस हैं जो हमने सिर्फ सेट एग्जामिनेशंस को ही डेडिकेट किया है ताकि ऑल दो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आपको मेजर हेल्प मिल सके. अब चलिए चलते हैं आज के हमारे इस सेशन में. ओके सो जब भी हम पॉटरीज की बात करते हैं एवरीबॉडी तो ये एक ऐसी टॉपिक है मोस्टली जो आप देखोगे ऑल ओवर एंशियंट इंडिया में रन करती है. अब बात यह है कि कई बार क्या होता है हम एंशियंट इंडिया का पूरा सिलेबस तो कवर कर लेते हैं बट वी डू नॉट रीड द पॉटरीज इन डिटेल. कई बार अगर आपने कोई भी यूजीसी नेट का पेपर देखा है या सेट का पेपर देखा है और इट कैन बी अ पीएचडी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस के अलावा भी अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन पे जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं दो बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं पॉटरी पे.
सबसे पहला क्वेश्चन होता है थ्योरी, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे वो आपको पूछ लेंगे कि सपोज पीजीडब्ल्यू किस फेज की है, इस पॉटरी की क्या खासियत है, क्या कॉमन लोग यूज करते थे या अर्बन एलीट लोग यूज करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू नो द बेसिक थ्योरी, बट इसमें आपको बेसिक थ्योरी जाननी है, डोंट हैव टू गो टू अननेसेसरी डिटेल। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप यूजली देखते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इट इज लाइक अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, या आपको ऐसा कोई एक वन लाइनर सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, किसी भी मे बी पॉटरी के लोकेशन के बारे में। तो आज के हम इस सेशन में दो मेजर पॉटरीज को कवर करेंगे, पीजीडब्ल्यू एंड एमबीपीडब्ल्यू। हम देखेंगे जब भी आप पॉटरी पढ़ेंगे, हमेशा मेक श्योर कि आपको उसका लोकेशन पता है, दूसरा उस पॉटरी के बारे में स्पेसिफिकली आपको उनकी कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता है कि वो पॉटरी बेसिकली है क्या, ग्रीन कलर की है, ग्रे कलर की है, रेड कलर की है, कुछ खासियत। तीसरा, उसको यूज कौन करता था, क्या उसको सारे लोग यूज करते थे या वो पॉटरी एक तरीके का सोसाइटी का डिफरेंस दिखा रही है, तो हु यूज टू यूज दैट पॉटरी। दीज आर द 3, 4, 5 थिंग्स जो आपको जनरली याद रखना है, जो मोस्टली थ्योरी और फैक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। तो आज हम दो करेंगे, आगे के सेशन में भी पॉटरी की थ्योरी करेंगे और फिर हम एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सेशन करेंगे ऑन थ्योरी एज वेल एज फैक्ट्स, ताकि ये जो पॉटरी वाला पार्ट है ये आपका एंशियंट इंडिया से कवर हो जाए। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको कौन सी पॉटरी दिख रही है, एज यू ऑल कैन सी दिस इज अ पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। अब पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी की सबसे खासियत क्या है, एक तो ये फाइन पॉटरी है, मतलब काफी स्मूथ सर्फेस है इस पॉटरी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आप देखोगे बहुत ही इवन कलर्ड पॉटरी है, कलर एकदम फाइन है, टेक्सचर एकदम फाइन है, कलर एकदम इवन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर है। एंड मोस्टली जो फैब्रिक यूज होता था इस पॉटरी को बनाने के लिए, यू विल सी बहुत ही थिन फैब्रिक का इस्तेमाल होता है। इफ यू सी इन द पिक्चर, आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा फाइन और कितना ज्यादा स्मूथ इसका पूरा का पूरा टेक्सचर है। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करते हैं फ्रॉम पेंटेड ग्रेवेयर। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़िएगा एग्जामिनेशन की ओरिएंटेशन से। ठीक है, सबसे पहले जो पेंटेड ग्रेवेयर है, एज आई टोल्ड यू, काफी फाइन स्मूथ इवन कलर्ड पॉटरी है। ठीक है, सामान्य रंग की पॉटरी है। एंड मोस्टली आप देखोगे इसका कलर क्या है, क्योंकि नाम में ही आपको पता लगता है पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब ग्रे कलर की पॉटरी है। बट किस तरीके का ग्रे, क्या सिंपल ग्रे है, सेम ग्रे है? नहीं, यूजुअली जो ग्रे के शेड्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। कहीं आप देखोगे जो सिल्वर कलर आप देखते हो, कहीं पे आपको उस सिल्वर कलर का ग्रे दिखेगा, या कहीं कहीं पे आप स्पेसिफिकली देखोगे जैसे जो आप तलवार का कलर देखते हो, समटाइम्स यू कैन सी दैट ग्रे, रहेगा ग्रे ही, बट मोस्टली उसके जो शेड्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जो हाई क्वालिटी का जो क्ले होता है, क्योंकि काफी स्मूथ पॉटरी है, फाइन पॉटरी है, तो इसको बनाने के लिए हाई क्वालिटी क्ले जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आज ये डिजाइन पे, मोस्टली आप देखोगे इन पॉटरीज पे आपको डिजाइन दिखेंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, एंड मोस्टली सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गए, सिंपल बेसिक ज्योमेट्रिक पैटर्न दिखेंगे मोस्टली आप देखोगे ब्लैक कलर में। इफ यू कैन सी हियर, ये देखिए जनरली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, और ये ब्लैक कलर में आपको ऑल ओवर पॉटरी में जनरली आपको देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जिस तरह की पॉटरी का आपका पेंटिंग है, एंड मोस्टली इस पॉटरी की खासियत ही कि एक तरीके का यूनिफॉर्म कलर है, तो मोस्टली आप देखोगे कि जो यूनिफॉर्म कलर है, सामान्य कलर है, ये दिखाता है इसकी फायरिंग टेक्निक। क्योंकि देखिए, अगर सामान्य कलर है, एक तरीके का शेड है, इसका मतलब है कि इसकी जो फायरिंग टेक्निक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली एक जैसा सामान्य रूप से इसमें फायरिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ हो गया। अगर नहीं होता तो अलग जगह पे आपको अलग अलग टेक्सचर मिलते, क्योंकि सारा ही स्मूथ है, सारा ही समान है, इसका मतलब है बहुत ही हाई क्वालिटी फायरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था इस पॉटरी को बनाने के लिए। तो ये पॉटरी बनती कैसी थी, तो मोस्टली कहा जाता है क्योंकि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर था, जब भी इसकी जो भट्टी होती थी, जो आप देखते हो जो भट्टे होते हैं, जो आपका निल होता है, उसमें काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर, क्योंकि जरा भी टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होगा तो आप अलग अलग टेक्सचर देखोगे, क्योंकि सेम यूनिफॉर्म टेक्सचर है, तो हाई टेम्परेचर जो सामान्य रूप से पूरे के पूरे भट्टी में मेंटेन होता था। अब आप ये पूछोगे कि यहाँ पे ग्रे क्यों हो गया, मोस्टली यूजुअली कहा जाता है ये जो पॉट्स हैं ये ग्रे टर्न कर जाते हैं जब आप इनको भट्टी में हाई टेम्परेचर पे रखते हो, जब आप इनको हाई टेम्परेचर पे फायर करते हो तो ये ग्रे हो जाते हैं।
ऑल्सो मोस्टली कहा जाता है कि जो हाई क्वालिटी क्ले का इस्तेमाल होता है इसमें ब्लैक फेरस ऑक्साइड रहता है। ये फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मोस्टली आप देखोगे इनका जो कलर है ये स्पेसिफिकली ग्रे जो है ये टर्न कर जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉटरी एंड इसको बनाने का तरीका क्या था, क्यों ये ग्रे कलर का है। तो जस्ट ग्रैब दिस वन लाइनर क्वेश्चंस। अब क्या ये हाथ से बनते थे या ये व्हील मेड थे? तो सबसे पहली बात, ये क्योंकि फाइन टेक्सचर पॉटरी थे, काफी स्मूथ पॉटरी थे, मोस्टली ये व्हील मेड थे। ठीक है, एंड इनको आप देखोगे इनकी जो थिकनेस आप देख रहे हो इसमें ब्लैक कलर की पैटर्न्स हमारे बने हुए हैं, यूनिफॉर्म डिजाइन्स बने हुए हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बने हुए हैं। तो मोस्टली ये आपकी जो प्रॉपर व्हील थी उसमें ये पॉटरी मोस्टली बनती थी, जिसमें इनको प्रॉपर जो आपके टेक्निकली अंडों के जो छिलके होते हैं, ये जो एग शेल होता है उसकी जो थिकनेस होती है उस तरह की थिकनेस इस पॉटरी को स्पेसिफिकली मिलती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉटरी को एक व्हील में रख देते हैं एंड यहां से ये पॉटरी हमारी बनती है। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो वापस से ये सेकेंड टाइम इस व्हील में इस पॉटरी को रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार इसको व्हील में रखा, ये थिक हो गई, वंस ये थिक हो गए सेकेंड टाइम इनको फिर से व्हील पे रखा जाता है सो दैट दिस बिकम्स मोर थिक। जिसके बाद ये क्या करते हैं, मान लीजिए सरफेस पे कुछ उबड़ खाबड़ चीजें हो गई हैं तो उसको वो स्मूथ करते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही स्मूथनेस है। तो अगर हमने व्हील पे ये पॉटरी डाली और आपको लगता है कुछ उबड़ खाबड़ ऐसे टाइप के सर्फेस हो गई है तो हम इसको प्रॉपर स्क्रेपर से ट्रिम करते हैं और इसको स्मूथ कर देते हैं। उसके अलावा स्क्रेपर से स्मूथ करने के अलावा हम इसमें एक तरीके का लिक्विड लगाते हैं, स्मूदनिंग इमल्शन, जो इस तरीके का स्मूदनिंग आप देखते हो आजकल कितनी स्मूदनिंग क्रीम्स आती है उस तरीके का कुछ स्मूदनिंग इमल्शन हम अप्लाई करते हैं जो इसको एक ग्लॉसी मैट फिनिश देती है। तो ये दो चीजों की वजह से इस पॉटरी में स्मूथनेस आती है। या तो आप खुद से स्क्रेपर से स्मूथ कर दो, सेकेंड एक तरीके का क्रीम एक तरीके का इमल्शन उसके ऊपर लगा दो जो एक ग्लॉसी मैट फिनिश सरफेस आपको देगी। ठीक है, अब कुछ PGW आपको जो पॉटरी दिखते हैं वो रेड कलर के होते हैं, आप देखोगे उसमें रेडिश कोर है, लाल रंग है, तो आप बोलोगे ये लाल कोर कैसे आया अगर ये ग्रे है। तो मोस्टली क्या होता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी क्ले का इस्तेमाल होता है, तो कई बार अगर आप कोई लोकल क्ले यूज कर रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ लोकल क्ले यूज कर रहे हो, इसकी वजह से रेड कलर जो है अलग अलग लोकेशन पे आपको देखने को मिल सकता है, वो क्ले के वजह से होता है जिससे इनका यूज किया गया है। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर एग्जामिनेशन में आ गया कि PGW पॉटरी जो है वो रेड में मिलती है। इट इज ट्रू किसी किसी क्ले की वजह से ये रेडिश कोर जो शेड है ये आ जाती है। ये PGW मोस्टली हम सिचुएट करते हैं कहां पे, ये हमारा टेक्निकली आयरन एज हो गया हमारे इंडियन कल्चर का, कहां पे जो हमारी वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन है और जो घाघर हाकरा वैली है, ये उस टाइम पीरियड का हमारा आयरन एज को डिपिक्ट करता है। और जब भी हम PGW कल्चर की बात करते हैं, PGW सभ्यता की बात करते हैं, तो PGW सभ्यता हम हमेशा एसोसिएट करते हैं विलेजेस के साथ, जो हमारी टाउन्स हो गई, विलेजेस हो गए, टाउन सेटलमेंट्स हो गए, जब हम हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते हैं वो टाइम पीरियड हो गया, जब आइवरी वर्किंग का काम चल रहा है वो टाइम पीरियड हो गया, एंड विद द एडवेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी। तो इन सारी चीजों के साथ हम PGW कल्चर को मोस्टली एसोसिएट करते हैं। यही सब क्वेश्चन है जो आप देखते हो पेपर में आता है। अब दूसरा कॉमन सा क्वेश्चन जो काफी बार पेपर में आता है इज दैट कि भाई इसका कलर क्या यूज होता है। मोस्ट ऑफ द पॉटरी जो आप स्पेशली देखोगे ये पॉलीक्रोम है, दैट इज मोर देन टू कलर्स आर यूज टू मेक दिस पॉटरी, तो ये जनरली याद रखिएगा। ठीक है, आप आते हैं इसके डिजाइन पे, तो सबसे पहले जो आपको इमेज पे दिख रही है सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, मोस्टली ब्लैक कलर में, चॉकलेट ब्राउन कलर में आपको इस तरीके के सिंपल डिजाइन्स मिलेंगे। कहीं पे आप देख रहे हो आपको लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉमन डिजाइन है। उसके अलावा डॉट, डैश, सर्कल, स्पाइरल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, चेक हो गए आपके, स्वास्तिक का जो सिंबल हो गया हमारा, एंड सिग्मास। उसके अलावा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अलावा, लाइंस के अलावा, यहाँ पे आपको स्वास्तिक, सर्कल, स्पाइरल्स, डैशेस ये सारे भी देखने को मिलेंगे। एक चीज जो एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है, क्या फ्लोरल फौना पैटर्न थे, क्या कोई जानवर की फोटो थी, क्या कोई पेड़ पौधों की फोटो थी, तो हमेशा याद रखिएगा जो नेचुरल डिजाइन्स हैं जैसे फ्लावर पैटर्न,
जैसे सूरज का सिंबल हो गया, ये काफी कम था कंपेयर टू अदर डिजाइन्स, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर। कुछ साइट्स जैसे कि राजस्थान में, वहां पे स्पेशली आप देखो कि स्टैम्प किए हुए डिजाइन्स स्पेशली हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेप की है, क्या ये सिमिलर शेप की है, अलग अलग शेप की है। मोस्टली आप देखोगे ज्यादा शेप्स नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के ही शेप्स थे, जैसे बोल हो गया, डिश हो गया, लोटा हो गया, मिनिएचर। आप यूट्यूब पे देखते हैं छोटे छोटे जो पॉट्स दिखाते हैं, मिनिएचर पॉट हो गए, तो ज्यादा शेप नहीं है, बट जनरली ऑल्सो वी हैव फ्यू शेप्स जो आपको जनरली देखने को मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी एज वेल एज मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। आप इस पॉटरी को यूज कौन करता है, क्या सारे लोग यूज करते हैं या सिर्फ अमीर लोग जो अर्बन लोग थे वो यूज करते हैं? मोस्टली कहा जाता है कि जो PGW है वो डीलक्स टेबलवेयर पॉटरी है, जो मोस्टली जो एलीट लोग थे, जो अर्बन लोग थे, जो बेसिकली आप देखो कि जो अमीर लोग थे वो मोस्टली इसका इस्तेमाल करते थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस इस बात की क्यों है, स्पेशली आप देखोगे कि इस पॉटरी में जिस तरीके का डिजाइन है वो एक तरीके का यूनिफॉर्म डिजाइन है, और अगर किसी भी चीज में हर समय सेम डिजाइन मिलेगा, इसका क्या मतलब है? हिस्ट्री में इसका दो रेलेवेंस है। सबसे पहले एक तो ये एक तरीके का कंट्रोल दिखा रहा है किसी का, क्योंकि डिजाइन अगर सब सेम है इसका मतलब है मे बी कोई कंट्रोलिंग पावर था, तो इट इज शोइंग ईदर सम कंट्रोल, और कि भाई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए उतना स्पेस नहीं है। आज कैसे हम सब फ्री हैं अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए, तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए उतना कोई स्पेस नहीं है। एट द सेम टाइम क्योंकि एक तरीके का लग्जूरियस पॉटरी है, इसका मतलब क्या है, ये सोसाइटी में दूरियों को दर्शा रहा है, सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन जो है इस पे ये स्पेसिफिकली फोकस करा है। ये सब थ्योरी में आते हैं। ठीक है, यूजुअली कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप देखोगे आपको BRW, ब्लैक स्लिप वेयर पॉटरीज, ये सारे पॉटरीज मिलते हैं, तो 3 से 10% आपको उन सब जगह PGW के पॉटरीज भी देखने को मिलते हैं। एंड ये सारे बाकी पॉटरीज लोग मोस्टली खाने बनाने के लिए, डेली काम के लिए या फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो दिस वाइंड्स अप PGW। तो जब आप PGW पढ़े तो सबसे पहले लोकेशन किस टाइम पीरियड का है, तो आई होप दैट इज क्लियर। आयरन एज, इंडियन कल्चर ऑफ वेस्टर्न गैंग्टेटिक प्लेन, घाघर हाकरा रिवर, ये आपको घाघर हाकरा वैली जो है ये आपको याद रखना है। सेकेंड, क्या ये कॉमन लोग यूज करते थे या एलीट पॉटरी है, तो यू शुड बेसिकली नो इसका यूसेज। थर्ड, किस तरह के डिजाइन बनते थे, तो नाउ यू नो कि बेसिकली सन डिजाइन हो गए, फ्लोरल डिजाइन कम है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ज्यादा है। फोर्थ, इसका जो ग्रे टेक्सचर है वो कैसे आया, किस तरह की ये जनरली पॉटरी है, तो स्मूथ, सीवन, यूनिफॉर्म, इवन कलर्ड। एंड फिफ्थ, आपको जनरली याद रखना है कि इस पॉटरी का पर्पस क्या था जनरली, एंड इसके साथ जो रेड कलर है वो रेड कलर कैसे आई, एंड कैसे इस पॉटरी के जनरली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स अलग अलग है। ठीक है, सो दीज आर द 5-6 थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट दिस पॉटरी। आप चलते हैं दूसरी पॉटरी पे, जिसके पहले अगेन अ रिमाइंडर, मेगा वर्कशॉप रिमाइंडर अगेन निशान सर का, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, हम बार बार आपको रिमाइंड करा रहे, क्योंकि फिर ये वर्कशॉप्स दोबारा नहीं आएंगे, तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिएगा ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। अब चलते हैं दूसरी पॉटरी के बारे में, और अब हम करने वाले हैं NBPW पॉटरी। तो कौन बताएगा NBPW के पॉटरी के बारे में, एरिया, लोकेशन, कौन यूज करता था, मे बी क्या पैटर्न है, मे बी क्या कलर है, लेट अस सी दैट। ओके, सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू सेव दिस। चलो पॉटरी रिवाइज कर रहे हैं, एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन सेशन आल्सो, जो हम इसके बाद सारे पॉटरीज खत्म करने के बाद करेंगे हमारे ऐप पे। चलो, तो सबसे पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉटरी है, क्योंकि इस पॉटरी का नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो अगर हम जनरली नाम पढ़ेंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो आपको लगेगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो मोस्टली हम सोचेंगे अच्छा नॉर्दर्न दिया है, इसका मतलब है ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ठीक है, सिंपल है, ऑब्वियसली हमने देखा क्योंकि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है तो हम जनरली सोचेंगे कि यार ऑब्वियसली ये ब्लैक कलर का है, बट ये दोनों टेक्निकली मिसलीडिंग है, ये पॉटरी का नाम ही मिसलीडिंग है, क्योंकि इवन दो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्थ में मिलता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन अदर प्लेसेस एज वेल, तो ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लिखा है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ब्लैक में मिले। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिश्ड लिखा है,
मोस्टली आप देखोगे जरूरी नहीं है कि ये पॉलिश्ड भी हो, तो ये तीनों के तीनों पहले तीन वर्ड मोस्टली मिसलीडिंग है। ना तो ये सिर्फ नॉर्थ में मिलता है, ना तो ये सिर्फ ब्लैक कलर का है, और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉलिश रहेगा। ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुल विद दिस। अब देखते हैं क्या है ये पॉटरी। सबसे पहले अगेन वेल फायर्ड पॉटरी है, ऑब्वियसली व्हील मेड डीलक्स पॉटरी, ठीक है, प्रॉपर हाई क्वालिटी क्ले से बनी है। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम ब्लैक, मोस्टली आप देखोगे अलग अलग शेड और अलग अलग कलर्स का इस पॉटरी में इस्तेमाल हुआ है। इफ यू कैन सी हियर, ये अलग अलग टेक्सचर्स हैं पॉटरी के। इफ यू कैन सी द साइजेस, ये आपका सीधे सीधे ऐसे कर्व डायमेंशन है, इट इज स्ट्रेट, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पॉटरी हैं। इफ यू कैन सी मोस्टली लाइन डिजाइंस जो है ये बहुत ही कॉमनली डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ द पॉटरी। अब इसकी खासियत पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पॉटरी का एक ग्लॉसी सर्फेस है, हम कहते हैं ना ग्लॉसी फिनिश, मतलब चमकदार, शाइनी, स्मूदर, ये ग्लॉसी सरफेस इस पॉटरी की सबसे खास खूबियत है। अब तीन चीजें कि ये ग्लॉसी सर्फ आया कैसे, ये ग्लॉसी सरफेस कैसे आया। अब एग्जैक्टली हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एंशियंट पीरियड में ये ग्लॉसी सरफेस कैसे आया। हाउएवर तीन मेजर कॉमनली व्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं कि क्यों ग्लॉसी सर्फेस आया। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस ये कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि जिस मटेरियल से ये बना है, मोस्टली आप देखोगे कहा जाता है कि फेरोजीनियस आयरन कंपाउंड जो है ये अप्लाई किया गया था पॉट पे, ठीक है, इनको फायर में लगाने के पहले, भट्टी में डालने के पहले, फायर करने के पहले हमने फेरोजीनियस कंपाउंड जो है इस पे अप्लाई किया था। ठीक है, अब आप पूछोगे कि तो ब्लैक कलर कैसे आया। मोस्टली कहा जाता है जब इनको आग में रख दिया गया तब बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ये ब्लैक कलर आया। ठीक है, तो एक तरीका इसका ये था बनने का। दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि भाई जो शाइनी सरफेस, जो इतना स्मूथ शाइनी सरफेस जो आया है ये कैसे आया। आप देखते हो कभी आप किसी चीज पे ऑयल अप्लाई कर देते हो, तेल अप्लाई कर देते हो, तो कैसे वो शाइन करने लगता है। तो दूसरा व्यू ये है कि इसका जो शाइनी सरफेस है ये आया है मोस्टली किसी तरीके का मटेरियल हमने ऊपर लगा दिया है, जैसे मान लो तेल हो गया, किसी प्लांट का जूस हो गया। ठीक है, मोस्टली जब ये फायर हो गए तो हमने स्पेसिफिकली जब ये गर्म थे उसी टाइम पे हमने इसको एक तरीके का कोटिंग कर दिया, मे बी ऑयल से या प्लांट जूस से, शायद इस वजह से ये सुपर ग्लॉसी हो गया। तीसरी स्टडीज जो इतिहासकार कहते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड थी एंड ये जो मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है इसने इस पॉटरी को एक तरीके का ब्लैक और ग्लासी ग्लॉसी सरफेस जो है ये दिया है। आप ये कहते हैं कि देखो जो शाइन आया है तो हमने लिक्विड क्ले जो है स्पेसिफिकली जिसमें हेमेटाइट होता था ये हमने स्पेसिफिकली अप्लाई कर दिया था पॉट्स को आग में रखने के पहले, फायर करने के पहले। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे व्यू पॉइंट्स हैं कि कैसे ये ब्लैक ग्लॉसी सरफेस आया। सबसे पहले फेरोजीनियस कंपाउंड अप्लाई कर दिया गया, सेकंड जब ये गर्म थे मोस्टली आप देखोगे इन पे ऑयल की कोटिंग कर दी गई, या थर्ड स्पेशली मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड ब्लैक कलर लेके आता है एंड स्पेसिफिकली लिक्विड क्ले जिसमें हेमेटाइट होता है ये अप्लाई कर दिया जाता है बिफोर फायरिंग कि ये एक तरीके का ब्लैक और स्मूदिंग सर्फेस है। ठीक है, ये आपको पूछा नहीं जाता है, बट मोस्टली अगर आप देखोगे ना थ्योरी क्वेश्चंस में दे आस्क यू कि बेसिकली कलर किस मटेरियल के वजह से आता है, किस कंपाउंड के वजह से आता है, तो एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब मोस्टली ये जो NBPW पॉटरी है ये मोस्टली पेंटेड नहीं रहती है, यूजुअली आप देखोगे ये अनपेंटेड है। हाउएवर कुछ डिजाइन्स बने हुए जैसे बैंड हो गया, कुछ वेवी लाइन हो गए, कुछ डॉट हो गया, ऐसे इंटरसेक्टिंग सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे जहां जहां पे पेंटिंग हुआ है हल्का फुल्का, मोस्टली आप देखोगे येलो एंड लाइटिश रेडिश जो कलर है इसमें स्पेसिफिकली आपको पेंटिंग्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ डिजाइन्स बने हुए मिलते हैं, बट मोस्टली ये पेंटेड जो पॉटरी है ये अनपेंटेड है। ठीक है, अब ये जो पॉटरी मिली है जो बिल्कुल NPWP जब जैसे जो पॉटरी है ये स्पेसिफिकली हमें मिली है 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बहुत सारे साइट्स में, और ये हमें तक्सीला में मिला है स्पेशली 1913 के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, सबसे पहली बार बहुत सारे साइट्स में इसकी डिस्कवरी हुई है 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, और तक्सीला में ये हमें स्पेसिफिकली मिला है 1913 के टाइम पीरियड में। अब कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
कि भाई ये जो हमारी पॉटरी है ये कहाँ से कहाँ तक है। ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, मोस्टली यू विल सी इट्स ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले ये जो NBPW पॉटरी है, हमेशा याद रखिएगा ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारी गंगा वैली, तो ये जो गंगा वैली वाला एरिया है और उसके बियॉन्ड उसके आगे का एरिया जो आपको पूरा का पूरा मैप में दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये पॉटरी स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 1500 साइट्स हमें ऐसे मिले हैं एंशियंट इंडिया में जहां से हमें इस टाइप की पॉटरीज की एविडेंसेस मिलते हैं। कुछ आपको एरियाज याद रखने, क्योंकि यहां से हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो कौन सी एरिया है सबसे पहले, कैन यू सी तक्सीला, तक्सीला एंड चरसदा। ये तक्सीला चरसदा इन दी नॉर्थ वेस्टर्न, तो याद है पॉटरी का नाम क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बट आपको दिख रहा है ये नॉर्थ के अलावा ये नॉर्थ वेस्ट में भी है, साउथ में भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इट इज नॉट ओनली नॉर्थ, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। तो तक्सीला चरसदा इन दी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है अमरावती, अगेन आंध्र प्रदेश। सो यहां से यहां तक देखिए इस पूरे के पूरे पॉटरी का रीच है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी प्रभास पत्तन इन गुजरात, टू तामलुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बंगाल। तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी जगह देखोगे ये पॉटरी का रीच है। तो बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड नॉर्दर्न, ठीक है। ये जनरली हमारी पॉटरी की रीच है विच यू कैन सी, एंड वेरी कॉमनली एरियाज ये सारी जगह पे आपको ये पॉटरीज दिखती है। यूजुअली एग्जामिनेशन में आता है पंजाब में मिलता है या नहीं, हरियाणा में मिलता है या नहीं। नाउ यू कैन सी हमारा जो नॉर्दर्न राजस्थान का रीजन हो गया, यूपी का रीजन, यू कैन सी ऑल दीज रीजन, हमारा बिहार का रीजन हो गया, ये हमारा वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया। इन ऑल दीज एरियाज वी फाइंड दिस नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मोस्टली ये क्वेश्चन काफी कॉमनली आता है, तो जो नेट सेट एग्जामिनेशंस इनफैक्ट जो सेट दे रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। आपको चार स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, चार एरियाज के नाम आ जाएंगे, एंड दे विल टेल यू कि कहाँ PGW मिलता है, कहाँ NBPW मिलता है। तो ये सब पे थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा। यूजुअली हम इनको स्किप कर देते हैं, पढ़ते समय उतना ध्यान नहीं देते, बट डोंट गो टू अननेसेसरी डिटेल्स, बट बेसिक्स को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसके अलावा जो मेजर एरियाज हैं, मेजर एक्सकवेटेड साइट्स आर रूपर इन पंजाब, राजा करना किला एंड दौलतपुर इन हरियाणा, बैरार नो जोधपुर राजस्थान, हस्तिनापुर अतरंजी खेरा कौशाम्बी श्रावस्ती इन यूपी, जो इधर आपको सब दिख रहा है, वैशाली पटना एंड सोनेपुर इन बिहार। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एक्सकवेटेड साइट्स, ठीक है। एट साइट्स इन पंजाब हरियाणा राजस्थान वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे स्पेशली NBPW फेज इज प्रेसीडेड बाय PGW। तो इस पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके का ओवरलैपिंग दिखेगा इन दोनों के बीच में, NBPW एंड PGW। कहाँ कहाँ पे, पंजाब हरियाणा राजस्थान वेस्टर्न यूपी, इन चार एरियाज पे मोस्टली एक ओवरलैप मिलेगा, तो बी वेरी केयरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्टर्न यूपी बिहार, यहाँ पे इट इज प्रिसीडेड बाय ब्लैक एंड रेड वेयर। तो कौन सी पॉटरी कल्चर कब आई है, किस जगह पे, कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इन सब पे थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस में आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। सो दिस इज द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट से आपको बस इतने ही पढ़ने हैं, स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन को अगर हम ओरिएंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज जनरली आवर पॉटरी। नाउ अभी हमने दो पॉटरी किया है, इफ यू वॉन्ट वी कैन डू मोर पॉटरीज, ताकि इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी हमारी पॉटरी की सीरीज हो जाएगी, और इस पे हम एक क्वेश्चन सेशन करेंगे ऐप पे, जहां पे थ्योरी प्लस लोकेशन बेस्ड प्लस फैक्चुअल सारे क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आज जो हमने PGW पॉटरी की है और NBPW पॉटरी की है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डू नॉट बी कंफ्यूज विथ इट। अब आगे की क्लासेस में हम बाकी जो तीन चार पॉटरीज हैं वेरी कॉमनली उनको भी करेंगे, एक कॉमन सा डिस्कशन भी कर लेंगे, ओके। सो बिफोर वी एंड द सेशन, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कौन से राजा, बेसिकली कौन से डायनेस्टीज के जो किंग्स हैं वो मोस्टली टाइटल यूज करते हैं देवपुत्र की, कुशांस यूज करते हैं, मौर्यास यूज करते हैं, गुप्ताज यूज करते हैं या चेदीज यूज करते हैं। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो जो लोग वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ मस्ट सेशन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नहीं भी कर रहे हैं, इट इज कॉमन हिस्ट्री एंड बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो यू ऑल शुड अटेंड द क्वेश्चन सेशन जो कि होने वाला है वेडनेसडे को,
ठीक है? तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दिस सेशन। अब इसके बाद जो भी हमारे सेट एग्जामिनेशंस हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूट्यूब पे सेट एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करेंगे, और हमारी जो ऐप है उसमें 11 बजे मैं लेके आ रही हूँ एंशंट इंडिया का सीरीज। सो प्लीज मेक श्योर एंशंट इंडिया का क्वेश्चन सीरीज आप बिल्कुल भी ना मिस करें, जहां पे हम करने वाले हैं प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस, वैदिक एज के क्वेश्चंस हो गए। सो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट मिस दीज सेशंस नाउ, ठीक है? तो यूट्यूब पे करेंगे सेट एग्जामिनेशंस की तैयारी, और ऐप पे प्लीज मेक श्योर यू कम फॉर आर सीरीज। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप कि बेसिक्स जो है वो लर्न हो गए हैं, ठीक है? इससे ज्यादा आपको नहीं जाना। एज आई ऑलवेज से, तीन चार चीजें, लोकेशन, उसका टाइम पीरियड, जनरली वो पॉटरी कैसी थी, किस तरीके का डिजाइन है, किस तरीके का कलर है, मोस्टली जो कलर है वो बेसिकली किस चीज के वजह से आता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस थोड़े डोमिनेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी कि आपको वो किसी पॉटरी पे कंफ्यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव सीन द रीसेंट नेट पैटर्न, तो चार पांच लाइंस के हमारे थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो किसी एक लाइन में पॉटरी आ सकती है, और वहां पे फंसना नहीं है। तो जो बेसिक स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है एंशियंट इंडिया के, जिस पे उतना फोकस नहीं करते, उनको पकड़ के रखिए, ठीक है? एंड वन सच टॉपिक इज पॉटरी। सो वी हैड शॉर्टलिस्टेड सम टॉपिक्स, जैसे पॉटरीज हो गए, एंशियंट इंडिया यूनिवर्सिटीज पे हमने ऐप पे क्वेश्चन और थ्योरी कर लिया, जैसे उपनिषद हो गए, उपनिषद पे भी हमने थ्योरी क्लास ऐप पे कर ली है। तो कुछ ऐसे टिडबिट्स टॉपिक्स हो गए जो एंशियंट के इंपॉर्टेंट है, बट उतना कोई फोकस नहीं करता है। वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है? ताकि मेजर चीजें तो हो, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी रहे, विच इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप इस बार नेट जरूर क्लियर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। जाते जाते एक बार और रिमाइंडर है, मेगा वर्कशॉप प्लीज अटेंड करना ना भूले, निशान सर का। प्लीज प्लीज रजिस्टर कर लीजिए, ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। ही इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ टिप्स, ही इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रिक्स जो आपको एग्जामिनेशन में काफी मदद कर सकते हैं। मे बी वो चीजें जो आपकी मोस्टली गलत हो रही हूँ, सर कैन गिव यू न्यू इनसाइट ओवर इट। तो प्लीज 30 दिसंबर को अटेंड करना ना भूले, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कम, ताकि जो भी गलतियां हो रही हैं वो हट जाए, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग GRF, ठीक है? एंड एज आई सेड एवरीवन, अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे और जोश के साथ, सो दैट अब किसी भी हाल में हम नेट में GRF हमें करना ही करना है, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, क्योंकि अब इस साल में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको सेशन के पहले कहा, इस साल को जोश से खत्म करना है, और उसी जोश से जनवरी का महीना शुरू करना है, क्योंकि हमारा मेजर सेंस में जो काउंटडाउन है UGC नेट का, वो शुरू हो जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर योरसेल्फ। जो वीक एरियाज है प्लीज उनको पहले खत्म करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बिफोर इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? एंशियंट मिडिवल मॉडर्न में से उठाइए जो भी आपको पसंद है, ट्राई टू कंप्लीट टॉपिक्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करिए, ऐसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और हर दिन पेपर वन जरूर पढ़े, क्योंकि अगर आप पेपर वन एक दो महीने पहले शुरू करेंगे एग्जाम के, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज पेपर वन को ध्यान दीजिए, क्योंकि वो मेक एंड ब्रेक है। तो ट्राई टू मैनेज टाइम, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितना टाइम मिल रहा है उसमें करिए, ओके? ट्राई टू मेक श्योर कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, जो ऐसी टाइम टेबल हो विच इज प्रॉपरली, नॉट सो मच जो आपने जबरदस्ती का बना दिया है, ओके? मेक श्योर कि योर टाइम टेबल इज नॉट टू मच, इट इज समथिंग जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? एंड प्लीज मेक श्योर यू आर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटिंग योर सेल्फ, है ना? आई ऑलवेज टेल यू, क्योंकि कॉम्पिटिशन का टाइम है, तो कोई दूसरा आदमी मोटिवेट करने नहीं आएगा, सो यू हैव टू कीप ऑन सेल्फ मोटिवेटिंग योर सेल्फ। ठीक है, पहली बार क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर अर सेल्फ, और ये अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। सो वी आर गोइंग टू लीव ऑल स्टोन एंड वी आर गोइंग टू टर्न एवरीथिंग, एंड हर वो चीज जो गड़बड़ हुई है उस पर ध्यान देना है। अपने जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके हुए हैं इस बार एग्जामिनेशन में, नोटेड समवेयर। अगर आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट इश्यू है, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स एंड क्वेश्चंस, मैनेज योर टाइम। अगर आपको लगता है फैक्ट्स नहीं पढ़े, प्लीज फैक्ट्स पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है थ्योरी के क्वेश्चंस गलत हुए, ट्राई टू फोकस मोर ऑन थ्योरी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको लगता है पेपर वन गलत हो गया, तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन पेपर वन। तो हर एक आदमी जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, ऑल एस्पिरेंट्स हैड सम ऑफ द अदर थिंग्स जो शायद आपके लिए काम नहीं किया,
ट्राई टू मेक श्योर कि इस बार आप उसको अपने एडवांटेज में चेंज करें, ठीक है? सो इन छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखनी है एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ. तो अब मिलते हैं वेडनेसडे को विद वेस्ट बंगाल सेट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद सारे स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ये शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. यस इस बिल्कुल फिल्म पे सेशन, चलो नेक्स्ट इस मंथ ही कर लेंगे फिल्म पे सेशन, बट यू ऑल हैव टू कम फॉर द सेशन. यस सचिन बिल्कुल रिवाइज करना होगा. मोनिका डन है. लुटेरा मोस्ट वेलकम. रोहिल मोस्ट वेलकम. चलिए, सो जो भी सेट आएगा एचपी सेट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस, डोंट वरी, इस बार हम लोग सब करेंगे, ठीक है? और बाकी जो आज पोर्ट्रीज खत्म हो गए, बाकी पोर्ट्रीज जो बचे उनको भी कवर अप कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एवरीवन. हैव अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड नेक्स्ट सेशन के साथ पोर्ट्रीज को खत्म करेंगे और एंशियंट इंडिया को मास्टर कर लेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज टेक केयर एंड रिमेंबर मोटिवेशन शुड बी सुपर सुपर हाई. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.